अच्छा, बस ये वीडियो का आइडिया बस एकदम ही जहन में इस तरह आया कि आज मेरे अपने नेबर से मुलाकात हुई काफ़ी अर्से बाद। तो ऐसी बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के पैसे लेना क्या रिश्वत होते हैं, इनके ब्राइब लेना होता है। मैंने कहा कि पहले मैं समझा वो कह रहे हैं किसी से कोई काम करवाना टैक्स ऑफिस में जाके। तो मैंने कहा अगर आपको मजबूरी है तो फिर ऑफकोर्स वहाँ पे तो गुना नहीं आएगा उसका। बट मैंने कहा कि नहीं, मैं सर्विस लेने के मैं किसी के भरूँ पैसे लूँ। मैंने कहा नहीं बिल्कुल, ये तो आपके सर्विस चार्जेस हैं और मैं खुद कई साल मैंने लॉयर से या कंसल्टेंट जो भी आपका उससे मैंने करवाया। तो उन्होंने कहा कि यार मैं करीबी एक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से मैं सीख रहा हूँ किस तरह टैक्स के बारे में, पूरे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में और किस तरह फेल होते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पर ऐड चलाऊँ और मैं उसको ऑनलाइन एक्स्ट्रा पैसे कुछ आ सकें, क्योंकि सभी परेशान हैं, महंगाई हर जगह हर तरह हर वक्त हर कोई चाह रहा है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सकें। तो मुझे तो पहले बड़ी हैरानी हुई उनके मुँह से यूट्यूब ऐड सुन के, क्योंकि वो कोई बिल्कुल टेक्निकल बंदे नहीं है, बट वो मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने ट्रेनिंग से सुना हो। एनीवे मैं घर आया, आई वॉज क्यूरियस कि यार ये क्या है, क्या इसकी डिमांड है भी सर्विस की और नॉट। तो मैं गया और मैंने फिर ये देखा, गूगल ट्रेंड खोला। गूगल ट्रेंड में बाय डिफ़ॉल्ट अब पाकिस्तान में हो तो ये पाकिस्तान का ही उठा रहा होता। अब ये 30 दिन का ट्रेंड बता रहा है कि ये इसके टैक्स रिटर्न के बारे में, मैंने सिंपल टैक्स रिटर्न के बारे में देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो उसकी स्पाइक आई आखिरी दिनों में, क्योंकि सितंबर का महीना लास्ट होता है जिसमें हम लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है, और 30 सितंबर जो थी वो लास्ट तारीख थी। तो अंदाज़ा हो सकता है कि लोग एकदम जागे सो के उन्होंने इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि FBR जो है लोकल टैक्स का दायरा वो काफ़ी इस मामले में सीरियस और लोगों को फोर्स करा है कि हर हाल में भरो और फाइलर बनो। एनीवे तो मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ट्रेंड नज़र आया, तो उसी कंफर्मेशन के लिए मैं गूगल कीवर्ड प्लानर गया। वहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड सर्च किए, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सर्विस। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसमें मंथली सर्चेस काफ़ी हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स रिटर्न की सर्चेज़ हैं 1000 से 10000, फाइलिंग के 100 से 1000, ऑनलाइन सर्विस के 10 से 100, तो तमाम लो हैं। ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग टैक्स रिटर्न, ये तो आपके इंटेंट जो है इसका इन्फॉर्मेशनल लगा, SEO वाले जो हैं वो समझ जाएंगे कि ये इसका जो इंटेंट है वो तो इन्फॉर्मेशनल है, लेकिन ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं तो ये इंटेंट जो आता है बाइंग का इंटेंट आ सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें से अगर 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो कम से कम 10-20 तो ऐसे होंगे जो आपके वो चाह रहे होंगे किसी से भरवा लें। और बाय द वे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग फ्री टैक्स फाइलिंग भी सर्च कर रहे हैं, फ्री टैक्स, IRS। IRS हमारा सिस्टम है FBR का जिसमें हम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये फ़ाइल करना ना बहुत मुश्किल काम है, टैक्स रिटर्न फाइल करना। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज़, बट एटलीस्ट पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल काम है, और 99% जो लोग हैं वो किसी ना किसी की प्रोफेशनल की सर्विसेज हायर करते हैं, इसलिए चाहे वो अपना इंडिविजुअल सैलरी टैक्स भर रहे हो या कंपनीज जो है भर रही हो। इवन के आप देखो, ये मैंने बाकायदा गूगल डॉक का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है 2 साल पहले, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि जो मैं जिस तरह भरता हूँ कि वो किस तरह क्या करूँ, बाकायदा स्क्रीन शॉट्स लगाए हुए। तो आसान नहीं है, तो फ्री जो फ्री देखना चाह रहे हैं इवेंचुअली वो भी पैसे देते हैं, तो 99% लोग जो टैक्स भर रहे हैं वो जो है वो तो पैसे देंगे। तो वो लोग जो इस सर्विस से वाबस्ता हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि यार वो ऑनलाइन जो है एक्स्ट्रा पैसे ऑनलाइन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें, क्योंकि यूजली लोग समझते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज इज़ ऑल अबाउट वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, कॉन्टेंट राइटिंग, बट बहुत कुछ है। आप इवन के फाइवर पर भी सर्च करें, आपको सैकड़ों ऐसी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिसका कंप्यूटर से दूर दूर तक वास्ता नहीं है और लोग उस पर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एनीवे तो ये आप अगर अकाउंटेंट हैं और टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। अभी तो वक्त निकल गया, ये साल के तो भर गया, लेकिन बड़े एक मशहूर चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ट्री वॉज 20 ईयर्स अगो, द नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ। यानी कि आपने 20 साल पहले आपने दरख्त उगाए तो वो अच्छा टाइम था, और अगला टाइम जो है वो अब है। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हर वक्त रहती हैं, ये सोचना बेकार है कि वक्त निकल गया, वक्त को ही निकलना होता। खैर, ये मैं देख रहा हूँ कि फ्री, मैं कह रहा था फ्री टैक्स फाइलिंग ये लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन फ्री कुछ नहीं होता। ये देख रहे हैं फ्री टैक्स ऑनलाइन फाइल, टैक्स ऑनलाइन फ्री, तो इवन के जो फ्री सर्च कर रहे हैं इवेंचुअली वो भी पैसे दे रहे होते हैं, तो फ्री का तो कोई सीन ही नहीं है। नंबर 1, आपको कन्फर्मेशन हो गया, आप खुद प्रोफेशनल हो, अकाउंटेंट हो, आपको पता है इसमें फ्री का कोई सीन नहीं हो। आपको चाहे पैसे देने होते हो देने हो, चाहे कम पैसे दे रहे हो दे रहे हो। तो मैं 3 साल पहले कोविड के ज़माने तक, मैंने 2020-21 तक मैंने एक बंदा हायर किया हुआ था, उससे भरवाता था,
अब वो बंदा बेवकूफ़ था क्या था, मैंने उससे सिर्फ 3 साल पहले मैंने उससे ये पूछा कि यार मैं कहाँ पे जाके देखूँ पिछले साल के अपने टैक्स रिटर्न, और मुझे क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे। अगर मैंने उसको अपने क्रेडेंशियल शेयर किए हुए थे आईआरएस के, तो वो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि यार आप तो क्या कर रहे हैं, आपको क्यों चाहिए, अगर आप ही सब कुछ कर लेंगे तो हम लोग किस तरह कमाएंगे। और बाखुदा मेरा कोई इरादा नहीं था भरने का, मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा था कि किस तरह आईआरएस क्या है। लेकिन जब उसने मुझे इस तरह रिस्पॉन्ड किया, उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने कहा कि यार अब मुझे करवाना ही नहीं है, तो मैंने कहा मैं खुद ही सीखूंगा। तो मैं जो दोस्त मेरे भरते थे ऑनलाइन उनसे और उनसे मैंने रब्ता किया, मैं कहा मैं गाइड करो। फिर मैंने पहले भरा, फिर मैंने उसकी इस डॉक्यूमेंट बनाया, नेक्स्ट ईयर उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया अपने गूगल डॉक को, और अब मैं खुद करता हूँ। और मैंने उसको बाकायदा मैसेज किया कि भाई मैंने खुद करना शुरू कर दिया, कोई बंदा मिले तो मुझे मेरी तरफ भेज देना। ऑफकोर्स उसका जवाब नहीं आएगा, उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो बींग ए प्रोफेशनल, आपको आपके जो क्लाइंट्स हैं उसके साथ बड़ा हम्बल रहना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना करें कि आपका वो चला जाए। तो एनी वे मैं उसको 5,000 रुपये दे रहा था उस ज़माने में, 3 साल पहले, हो सकता है बढ़ गया हो, 8-9-10 हज़ार हो गया हो, तो सैलरीड क्लास का। तो आपको पता टैक्स रिटर्न की मल्टीपल काइंड होती हैं, सैलरीड का सादा होता है, बिज़नेस का मुश्किल होता है। तो आप हर मुख्तलिफ आप स्लैब में करके आप बड़ी आसानी से कमा सकते हो। अगर आपके 20 कस्टमर भी आ जाए और आप 5,000 भी कमा रहे हो, तो आप 1 लाख रुपये तो बैठे बैठाए आपके 1-2 महीने में 1 लाख रुपये हो गया, तो क्या मुश्किल बात है, कुछ भी नहीं है। एनीवे तो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, सही, ये कीवर्ड से कंफर्म हो गया, गूगल ट्रेंड से कंफर्म हो गया। अब आप किस तरह कमाओ, चंद सजेशंस हैं। फर्स्ट सजेशन ये कि यार अपना यूट्यूब चैनल खोल लो उर्दू में, यूट्यूब में उर्दू चैनल खोल लो, और आपकी जो भी सर्विसेज होती हैं टैक्स की, जिसमें एन टी एन किस तरह बनता है, सैलरीड का अलग कैसे बनता है, बिज़नेस का किस तरह बनता है, फिर जो बिज़नेसेस होते हैं उनका NTN की कोई और, STN होता है, इस तरह बहुत सी चीज़ें, आप हर एक की अपनी वो बनाना शुरू कर दो यूट्यूब वीडियोस। इवन कि आप ख़ुद भी सर्च करेंगे, आप सर्च करें आपको एग्जिस्टिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगी पाकिस्तानियों ने बनाई हुई हैं, जो आपको सिखाते हैं कि फ़लाँ चीज़ किस तरह करें। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, और कीवर्ड प्लानर है, आप गूगल पे सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर और इसको क्लिक करोगे, आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, सही है। और उस पर बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी आ रहा होता, तो आपको वो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जब आप इस तरह भरोगे आपको टैक्स रिटर्न इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपको कीवर्ड प्लानर की हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, उर्दू में भी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीख सकते हो, 1-2 घंटे में पता चल जाएगा किस तरह यूज़ कर दें। वंस आपको ये पता चल गया, आपने फिर इसके मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाने शुरू कर दी और रेलेवेंट टाइटल, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और टैग्स डाले। टाइटल पे तो ऑफकोर्स आप कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते कि उल्टे सीधे भर दो ना डिस्क्रिप्शन में, आप टैग्स में आप ज़रूर जो भी दे मार 4.5 जो भी चाहो भर दो उठा के, आप वो गूगल उठा के ले आता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। फिर एक आप एक इंस्टॉल करो क्रोम एक्सटेंशन विड आई क्यू के नाम से, अगर आप कर सकते हो, आप कंप्यूटर यूज़ करो तो विड आई क्यू से आपको मज़ीद सजेशन मिलती है कितना कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह। बट एनी वे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आपको SEO की तरफ नहीं जा रहा, बस आप ये सर्च करो, आप ये चीज़ें करो और डिस्क्रिप्शन दो और वीडियो बनाना शुरू कर दो, छोटी छोटी, जितनी भी जितना भी साइज़ आप समझते हो उस वीडियो का मुताल्लिक हो, उससे बहुत लंबी चौड़ी बातें ना करो जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो आपने वीडियोस मुख्तलिफ बनाने शुरू कर दी और मुख्तलिफ हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न्स फॉर सैलरीड क्लास वाला, आपकी आराम से 10-15-20 वीडियोस आराम से बन जाएंगी, और वो आप अभी से शुरू कर दो। आप अभी से शुरू करोगे आपको गूगल पर रैंक होने में और सब कुछ होने में अभी टाइम लगेगा, एक तो काम हो गया यूट्यूब पर। दूसरा काम आप ये करो कि आप वही वीडियोस अपना फेसबुक का पेज बनाओ और वही वीडियोस अपलोड कर दो फेसबुक पे। मैं यूट्यूब का लिंक शेयर करने को नहीं कर रहा, आप वीडियोस जो आपके पास कंप्यूटर पे या मोबाइल पर होंगी वो फेसबुक पे अपलोड करो, क्योंकि फेसबुक जब अपनी वीडियोस जो उसकी होती ना वो उसको जल्दी प्रमोट करता है बजाय कि यूट्यूब वगैरह पर। और आप मुख्तलिफ फेसबुक पे पोस्टें बनाना शुरू कर दो ताकि लोगों को देखें, एट दी एंड जो ये आप सब कुछ कर रहे हैं ना, अपने आप को एक ब्रांड अथॉरिटी बना रहे हो कि अपने आप ब्रांड हो, आप एक अथॉरिटी हो। और आजकल यही चल रहा है भाई कि आप अपने आप को ब्रांड बनाओ इंडिविजुअल, आपको पता हो किस तरह चूरन बेचना है, तो आप वो करो। तो ये करने के बाद आप फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप वही वीडियोस की छोटी छोटी शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दो। आपने वीडियो बनाई उसको एडिट करके पार्ट उठाओ या इंट्रो बना लो, उसको टिकटॉक पे डाल दो, तो आप टिकटॉक पे भी आ गए। और हर जगह आप मेक श्योर अपना कॉन्टैक्ट ज़रूर दीजिए। प्रोफेशनल बिजनेसेस होते हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आप कैलेंडरी यूज़ करेंगे, कैलेंडरी फ्री प्लान में आपको एक कैलेंडर मिल जाता है और आसानी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कैलेंडरी में जाइए आप, कैलेंडरी अगर मैं सर्च करूँ, कैलेंडरी वेबसाइट है कैलेंडरी, ये
ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना वो बनाइए, सही है, अकाउंट, और यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट से शेड्यूल कर लिए, किस किस टाइम आप पाकिस्तानी टाइम पे अवेलेबल हैं, लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपने 15 मिनट की फ्री कंसल्टेशन दे दी, किस तरह भरना है उन्होंने आपसे वो कर दिया, आप अपने तमाम सर्विसेज के बारे में शेयर किया, आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, क्या पैसे ले रहे हो, और फिर आपको इस तरह मोस्ट ऑफ आपको कस्टमर मिल जाएंगे। 10 में से आपको 3-4 भी मिल गया तो क्या आपको 20,000, अगर 5,000 चार्ज कर रहे हो मिनिमम तो 20,000 मिल गए आपको। तो वन आप व्हाट्सएप भी दे सकते हो, अगर आप करेंटली कोई मसला हो रहा है, व्हाट्सएप अकाउंट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वो उससे आपसे रब्ता कर रहे हैं। यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, नेक्स्ट चीज़ है फेसबुक ब्लॉग। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या कहते हैं ब्लॉग पोस्ट भी बना शुरू कर दो, ब्लॉग मेंटेन कर लो, डोमेन खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो फ्री डोमेन्स हैं उस पर डालना शुरू कर दो। आप अब तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है, आप उर्दू में लिख लिए सब कुछ या रोमन उर्दू में लिखिए, उससे कह दो कि भाई तुम जो हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी एक मसला नहीं है। तो इन शॉर्ट आप अभी से काम शुरू करेंगे, 3-4 महीने बाद आपकी रैंकिंग होगी, फेसबुक पर आप चला रहे हैं, आप मज़ीद अगर आप पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो यूट्यूब पे एड्स चलाना शुरू कर दिए, लेकिन अभी एड्स चलाने कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तो कोई टैक्स रिटर्न करेगा ही नहीं। तो आप अगस्त के ज़माने में, अगस्त जून जुलाई अगस्त, इसमें आपने एड्स चलाना शुरू करें ताकि लोगों को आपकी सर्विस का पता चले। देखिए पाकिस्तान में यूजली लोग समझते हैं कि जो यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट की और फजूल तफरी की होती है, लेकिन आपको बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले भी हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स, वो भी जो हैं आपका क्या कहते हैं आपके YouTube चैनल्स बना रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, एक वेबसाइट है बी फाइलर के नाम से, बी फाइलर ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये भी समझ सकते हैं कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये 3,000 रुपये लेते हैं और ऑफकोर्स ये बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अगर मैं सिमिलर वेब पे इनका सर्च करूँ कि ट्रैफिक कितना आ रहा है तो आप ये देखो 75,000 तकरीबन 90,000 ट्रैफिक पर मंथ आ रहा है इनको, इनकी वेबसाइट पे, सही है, ये टैक्स साइबर के जो टैक्स कैलकुलेटर बनाए हुए हैं इस तरह करके। आप हो सकता है बहुत सी चीज़ें खुद ना कर सकते हो, आप SEO एक्सपर्ट हायर कर लीजिए और डेवलपर हायर कर लीजिए, लेकिन आप इस तरह के मुख्तलिफ टूल्स ऑफर कर दें उससे क्या है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए एक तो यूट्यूब वगैरह से तो एड्स आना शुरू हो जाएंगे, जब आपकी 1,000 मेम्बर्स हो जाएंगे और लोग विजिट करेंगे तो आपको यूट्यूब से भी आमदनी शुरू हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर आप वो लगा सकते हो एडसेंस, सही है, आपने गूगल एड्स लगा दिए, अब 70,000 लोग आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अगर $10-15-20 भी आपके महीने के इससे बन रहे तो 4-5-6 हज़ार या इवन के 10,000 भी आपके महीने के बन जाएं आपके ट्रैफिक से, तो आपकी एक और इनकम स्ट्रीम शुरू हो गई। तो सिर्फ एक काम करने से कि आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस शो की, आपके दो नई इनकम स्ट्रीम शुरू हो गई, तीन खुल गई, एक तो आपकी वही टैक्स फाइलिंग की जो ओरिजिनल आपकी जो आप काम धंधा करते हो उसके ऑनलाइन सर्विस देगी, नंबर टू आपको यूट्यूब से ऐड आ रहे हैं, नंबर तीन आपको फेसबुक से भी एड्स और लीड्स आ सकती हैं, यूट्यूब से भी आ सकती हैं, नंबर चार टिकटॉक से आपको लीड्स आ सकती हैं, नंबर पाँच एक चीज़ जो बताना भूल गया मैं आपको, और एड्स हो ब्लॉग हो गई तो गूगल एड्स के थ्रू आपको एड्स आना शुरू हो गए, नंबर पाँच एक चीज़ आप गूगल माई बिजनेस सर्विस होती है वो समझे लोकल गूगल होता है, यानी कि आप मैं अगर सर्च कर रहा हूँ प्लम्बर के बारे में तो मेरे एरिया में जो प्लम्बर होगा या रेस्टोरेंट आप सर्च करते होंगे कि बिरयानी कहाँ खानी है तो आपके आस पास इलाके के वो बिरयानी की दुकान वालों के बारे में डिटेल देता है। तो गूगल माई बिज़नेस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कीजिए, अपनी कोई एजेंसी रजिस्टर्ड कीजिए, कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए और अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिए, तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर टैक्स रिटर्न या टैक्स फाइलर के बारे में रिसर्च कर रहा है या जो भी आप सर्विस दे रहे हो तो आपका जो है वो गूगल पोर्टल का सबसे पहले आएगा, सर्चेज जो होंगे नॉर्मल सर्च रिज़ल्ट होंगे बाद में आएंगे। तो बस ये दो तीन चंद चीज़ें थी जो मैंने कहा जहन में आई तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। ओरिजिनली मैंने लिंक्डइन की पोस्ट बनाई थी इंग्लिश में लेकिन मोस्टली हमारा तबका उर्दू समझता है तो मैंने कहा क्या इसको यूट्यूब वीडियो भी बना दो जल्दी से क्योंकि अभी चीज़ें ताज़ा ताज़ा हैं। तो ये आप टैक्स के आप कोई भी काम इस तरह ऑनलाइन आप काम कर रहे हो आप उसको कीवर्ड प्लानर पर सर्च करो कीवर्ड, अगर आपको इस तरह लो कम्पिटिशन नज़र आ रहा है सर्च नज़र आ रहा है तो आप घुस जाओ, सही है। तो ये फ्री टैक्स ये देख रहे हैं आप, टैक्स फाइलिंग है, बहुत सी सर्विस देखें, या फिर बज़ाहिर लग रहा है कि सिर्फ 10 से 100 हैं लेकिन ये प्योर वो की लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपकी सर्विसेज में, आपसे 10 से 100 में से आपको 20 भी मिल गया इसमें तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो जो आपकी यूज़फुल होगी, तो आप इसके लिए क्योंकि आप इन केस आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकते कि किस तरह सर्च करें तो आपको फाइवर वगैरह पे आपको SEO के एक्सपर्ट मिल जाएंगे, पाकिस्तान के यूट्यूब एडिटर्स भी मिल जाएंगे,
और आपको तमाम फेसबुक मिल जाएंगे, लेकिन आप तमाम चीज़ें खुद कर सकते हो यार, कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, तो इसमें आप चाहो कर सकते हो। ओके जी, टेक केयर।